सत श्री अकाल तेज पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। जिमें कि तुहानू पता ही है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, 10 तरीक नू गणेश चतुर्थी है। वैसे तो गणेश चतुर्थी मेनली बॉम्बे का त्यौहार है, बट अजकल दे जे देखिए तो पंजाब विच भी गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम के नाल मनाई जाती है। तो मेरे पिछे तुसीं देख ही सकते हो किस तरीके दे नाल बहुत ही सोहणियां गणेश जी दीआं इत्थे मूर्तियां हैगियां, बहुत ही वक्रियां वक्रियां, कोई छोटियां कोई बहुत बहुत ही वक्रे वक्रे तरीके नाल इत्थे मूर्तियां बनाई गई हैं। तो पहले तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी से त्यौहार मनाया जाता सी, बट अजकल पंजाब विच भी लोग बहुत ही ज़्यादा धूमधाम नाल गणेश चतुर्थी मनाते हैं। फिलहाल असी इत्थे जिहड़े मूर्ति बनाते हैं उन्हां नाल गलबात करांगे, तो उन्हां नूं पुछांगे कि कितना समा लगता है मूर्ति बनाने च। भैया हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, तो कितना वक्त कितना लगता है एक मूर्ति बनाने में? एक मूर्ति बनाने में लगता है कम से कम एक दिन तो पूरा लगता है। अगर छोटी हो तो फिर एक दिन, और अगर बड़ी हो पूरा? बड़ी होती तो दो तीन दिन मतलब लगते हैं बड़ी वाली को बनाने में। दो तीन दिन ही सिर्फ लगते हैं बनने में, और सजावट भी साथ में होती है वो उसके बाद? सजावट बाद में होती है, ऐसे तो मतलब बनाते बनाते मतलब साल भर लगता है हमारे को, पूरा साल मतलब इसके ऊपर ही बैठते हैं। दोबारा गणपति जाते हैं उसके बाद में दोबारा बनाने शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है वैसे तो गणेश चतुर्थी मुंबई में काफ़ी मनाते हैं, अब लोग पंजाब में भी इतना मनाना, हैदराबाद महाराष्ट्र सब जगह चलता है, तो लोग आते हैं काफ़ी ज़्यादा गणेश जी को मतलब लेने। अभी थोड़े लोग ज़्यादा बढ़ने लगे, अभी बढ़ने लगे मतलब पहले कम बढ़ते थे, पहले गणपति में थोड़े कम थे, अभी थोड़े ज़्यादा मतलब 10% बढ़ गए, 10% ज़्यादा हो चुके हैं। तो वैसे अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी हमें मूर्तियाँ दिखाएं जो बहुत ही मतलब आपने बनाई हुई है, आप हमें दिखाएं मूर्तियाँ यहाँ पे। ये मूर्ति देखो सर, मूर्तियाँ तो मतलब है ना, ऐसा मूर्तियाँ तो बहुत बड़ी है, खर्चा भी बहुत लगा है, लेकिन मूर्तियाँ बहुत बची पड़ी है इसे। तो मतलब ये सारी बिक चुकी हैं या ये नहीं बिकी? अभी बिकने वाली, बिकी नहीं है अभी, कल का त्यौहार है इसका, कल जितनी बिकेगी वापस स्टॉप करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो अगर जब ये बच जाती मूर्तियाँ तो फिर क्या करते हो? इनको स्टॉप करके रखनी पड़ती है, स्टॉक कर देते हो इसको, साल भर संभाल के फिर रखनी पड़ती है। अच्छा, फिर अगले साल ये फिर से दोबारा अगले साल फिर काम आ जाती है। तुम मना रहे हो गणेश चतुर्थी? कितने सेकंड ईयर है, लास्ट ईयर बनाया का सेकंड ईयर है। सिलेक्ट कर लेगा? हाँ जी कर ले, बस अज असी देखने आए उन्होंने डेकोरेशन का, तो कल लैन आवेंगे। उत्साह है फुल ऑन जी, फुल जी फुल गणेश जी आ रहे, फुल उत्साह है। मैम जिमें कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो तुम भी गणेश जी लैन आए हो? यस यस हाँ जी जी, असं भी लैन आए हैं, सन 6 साल हो गए गणेश जी को पूजा करते, बड़ी आस्था है साड़िया दे विच, घर च बहुत ज़्यादा उत्साह होएगा बिकॉज आने लगी है 10 तरीक नू है गणेश चतुर्थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए 10 डेज का एक बड़ा महान होता है, बहुत अच्छा मानते हैं हम, पूरी तैयारी करते हैं। वैसे मैम वैसे पंजाब च घट मनाई जाती सी गणेश चतुर्थी, पर जेकर हुण वेखी जावे तो बहुत ही ज़्यादा मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी, लोगों जो बहुत ज़्यादा श्रद्धा हुण आ रही है। बिल्कुल, वैसे तो ये फेस्टिवल बॉम्बे का है लेकिन अब पंजाब में भी हो गया, 5-6 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ गया है, तो सभी की आस्था हो गई है इसमें। जिमें कि इतने आप सुरेश जी के नाल गलबात की है, तो उन्होंने कहा कि जेकर छोटी मूर्ति हो उन्होंने 1 दिन लगता है, तो जेकर वड्डी मूर्ति हो 2-3 दिन लग जाते सिर्फ बनाने च, तो उस तो बाद सजावट की जाती है। तो सुरेश जी का भी कहना है कि लाइक हूँ ही ज़्यादा पंजाब से ट्रेंड आया है कि हाँ गणेश चतुर्थी मना, तो जेकर जो वेख सकते कि हाले काफ़ी इन्हों का स्टॉक भी इतने मतलब जमा होया पे, तो ये कह रहे हैं कि जी इन मूर्तियाँ नहीं विकदियाँ तो जो अगला साल आता है स्टॉक करके रख लेंगे मूर्तियां, तो अगले साल है फिर ये मूर्तियाँ ही दोबारा ला देंगे है। तो बाकी हूँ बस गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो देखते हैं कि लोगों से कितना उत्साह है। तो फिलहाल जेकर मैं वेखा तो लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साही है गणेश चतुर्थी वास्ते। बाकी देखते रहो तेज पंजाब न्यूज़।